हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी लर्निंग स्टैंडर्ड एफआई बीकॉम सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर एनवायरनमेंट मूवमेंट्स एंड मैनेजमेंट टॉपिक एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एनवायरनमेंटल मूवमेंट इन इंडिया. बिफोर अंडरस्टैंडिंग सेव नर्मदा मूवमेंट देर आर मेनी एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट सम फाइव मूवमेंट्स. सो फर्स्ट सेव नर्मदा मूवमेंट. It's a non-government organization that is mobilized by the tribal people, Adivasis, farmers, environmentalists and human rights activities against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat, India. The Narmada Water Disputes Tribunal was constituted by the Government of India. On December 12, 1979, the decision given by the tribunal was to have 30 major, 135 medium and 3,000 small dams over across the river, and height of the dam is also be to be increased. Okay. So, Save Narmada Movement, non-government organizations, tribal people, Adivasis, farmer, environmentalists, ये सब लोग आके नर्मदा रिवर को बचाने के लिए आगे आए आने वाले लोग आए हुए लोग थे. ओके, ड्यू टू इंटरस्टेट डिफरेंसेस में द डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ द नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, ऑन December 12, 1979 देर मेनी ट्रिब्यूनल have to take 30 majors, 135 medium and 3,000 dams across the rivers, but iske wajah se bahut logon ko, that means almost 250,000 people across the rich diversity mein inko takleef hone wala hai. 14 million people will get drinking water as well as we can produce 1450, that is 1450 megawatts of electricity covering thousands of villages and towns, but उसके साथ साथ इतना लोगों को भी difficult level बढ़ता है. okay, so ये movement को lead करने के लिए मेरा पाटकर who won the right livelihood award properly. this person who came ahead from to save Narmada, okay, in the campaign against the Narmada Dam for the better rehabilitations. And over lack of outseas to project has been spread out. Har jagah ye officially room spread hua tha ki isko kaisa bachana chahiye. Government isko itna effort dala tha ki isko aage badhana chahiye. Ideological position liya tha. Bahut international सपोर्ट आने लगा, बहुत लोग प्रोटेक्ट्स किए थे, सिर्फ ये बैंक ये जो डैम्स बनाने से बचा सकते. अब डैम्स बनाने से इतने अच्छे चीज़ें होने वाले, बट उसके ऑपोजिट साइड जो होने वाला है वो उससे भी खतरनाक है. ओके, सो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन प्रोजेक्ट्स के लिए उसके बाद निकाला भी. ओके, देन ऑल्सो वो कैसा फुलफिल कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को कैसा सॉल्व कर सकते हो, ये सब सोच के उन्होंने निकाला भी. देन टू दिस वॉज नॉट रिवील्ड एंड दिस प्रोजेक्ट लिव्ड एज एन इम्पैक्ट एंड इट इज टिल ईयर विदाउट एनी कंप्लीशन. ओके, सो ऐसा नर्मदा मोमेंट आगे बढ़ा है. देन वी हैव चिपको मोमेंट. चिपको मोमेंट का अलग नाम क्या है, हगिंग द ट्रीज. येस, एंड इट इज़ अ वेल नोन ग्रास रूट इको डेवलपमेंट मोमेंट. दिस मोमेंट वॉज वेरी गुड एंड पीपल फॉर दिस मोमेंट हैव डिड अ वेरी गुड जॉब, एक्स्पेशली द वुमेन. ओके, वुमेन हु डिड वेरी वेरी गुड जॉब टिल नाउ इट हैज बीन सेड इट इज़ अ गुड इको फ्रेंडली मोमेंट because it is an ecological and economic background. The Alaknanda Valley in which the movement originated, what a scene of recklessness, deforestation, resulting in devastating flooding in July 1970. Okay, itna flood aane ke baad, one morning
मार्च 1973 में एक हिल टाउन गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट यूपी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइमन कंपनी अ स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चर इन डिस्टेंस अलाहाबाद अराइव्ड एट गोपेश्वर टू कट 10 एशेस ट्रीज बट द विलेजर प्रोटेक्टेड दैट दे शुड नॉट कट द ट्रीज ओके At the village, Mandalal were about 100 villagers and Dasholi Gram Swarga Samag workers beating drums, shouting slogans, retreats, trees. Nanadar Rampur itna kaam karne ke baujud bhi. March 26, 1974. Wapis aage Simon. Company cut karne ke liye. Gaon ke aadha aadmi log बाहर गए प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे बड़े बड़े लोग से मिलने के लिए. अभी कौन आके बचाएगा? जैसा वुमेन्स लोग ने देखा, द वुमेन्स रिस्टोर टू हगिंग द ट्री टू स्टॉप देम बीन एक्स. अगर तुमको ये ट्री कट करना है, वुमेन ने बोला, पहले हम लोग को कट करो. वुमेन ने भागे, वुमेन बच्चे लोग भागे और ट्रीज को हग किए. बोले पहले हम लोग को कट करो, फिर ये ट्री को कट करो. अनटिल अनलेस यू विल नॉट कट दिस ट्रीज. Okay, so then this movement started spreading in this surrounding village and more number of people joined. Okay, and more further development took place. उसके बाद साइमन कंपनी देखा और वो वापस चले गए. उन्होंने वो ट्रीज को कट नहीं किया. So this movement came to known as चिपको movement. Now we have Apico movement, same a little bit of different of Chipko movement. Okay, Chipko movement in Uttarakhand in the Himalayas inspired the villages of Uttarakhand district of Karnataka state in southern India to launch a similar movement to save their forest. Okay, the Apico movement was launched in 8th September 1983 by Pandurang Hedke along with the men, women, children of Sirsi hugged the trees in Kalesa forest to save the Western Ghat in Southwest India. Okay, main important tha unko Western Ghat save karne ka in Southwest India mein. The villages in Gubi, Gadge, phir near villages Sirsi, Taluka, Karnara, ye sab log ek saath hoke, inhone मोर्चा निकाला, हड़ताल निकाला कि वी हैव टू सेव द फॉरेस्ट. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. दे स्टार्टेड डूइंग इन अ लिटिल डिफरेंट वे, लाइक फोक डांस. ओके, लाइक डूइंग स्ट्रीट प्लेस. ओके, स्लाइड शोज. ऐसा अलग अलग प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीका एग्जिस्ट किए थे. एंड उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू रीजनरेट द ट्रीज इन द ड्यून लैंड्स. ओके, ये बड़ा सा ऑब्जेक्टिव था उनको. एंड टू यूटिलाइज द फॉरेस्ट वेल्थ विद अ ड्यू कंसंट्रेशन. प्रॉपरली फॉरेस्ट वेल्थ को यूटिलाइज करो एंड विद द प्रॉपर कंसंट्रेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स एंड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट. ओके, The activities have constructed 2000 fuel efficient chulas in the area which they can save the fuel the consumption of almost 40%. Aisa sab activities unhone undertake kiya, unhone protect kiya forest 38 days tak. Finally unko withdraw kiya ki unko kuch na kuch ek acha tarika mila. ओके, सो ये जो प्रोटेक्ट्स था, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर अगेंस्ट फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट, इको सेंसिटिव रीजन्स के ऊपर, वेस्टर्न गार्ड्स एक्टिविटीज़ जो अनयूजुअल से, वो सब इधर के जो भी फ्लावर्स है, ली फ्लावरिंग प्लांट्स है, स्पीशीज है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, सब चीज़ को उनको बचाना है. मोस्टली ये वेस्टर्न गार्ड्स में. ओके, तो ये वेस्टर्न गार्ड्स को प्रोटेक्ट करके लिया था. इधर बायोडाइवर्सिटी, दिस अ ह्यूज एंड नेचुरल एंड सेमी नेचुरल एरिया विच इज लेस 6% ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया कंटेन मोर देन 30% ऑफ प्लांट, फिश, बर्ड, मैमल स्पीशीज. इसको बचाने का है. ओके, दे हैव टू सपोर्ट 200 मिलियन पीपल थ्रू इको सिस्टम सर्विस एंड होम टू डाइवर्स सोशल रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. ये इम्पॉर्टेंट था और ये माउंटेन रेंज का रूरल था, तो इसका मेन आदमी था
जो इसको बचाने के लिए मेन ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज़ UNESCO, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड दिस इज़ अ हॉटेस्ट टू हॉट स्पॉट ऑफ बायोडायवर्जिकल वर्ल्ड। एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स का डिशियस फॉरेस्ट है, वेस्टर्न घाट्स का भी है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स, साउथ वेस्टर्न घाट्स एंड साउथ वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेन फॉरेस्ट, डिशियस फॉरेस्ट, माउंटेन रेंज फॉरेस्ट, एवरीथिंग। दिस वन पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज दैट इज़ UNESCO वॉज केम फ्रॉम 2006 इन इंडिया, एंड दे स्टार्टेड सेविंग एंड दे स्टार्टेड क्योरिंग दिस ऑल वेस्टर्न घाट्स, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वेस्टर्न घाट्स इज कवर्ड बाई 35% ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड 66% ऑफ श्रिंकेज इन रिवर, विच इज़ वेरी नीडेड टू अवर महाराष्ट्र एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। Okay, so this Western Ghats is an important carbon sink in the world so that it can reduce, properly it can reduce the global warming. Iske wajah se global warming 110% reduce hoga, which was very, very important. As you can see this picture, see this all green line has shown is the Western Ghats. Okay, thank you.